बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। मैं संगीता पटेजा फ्रोलिक स्टेज पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज फ्रोलिक स्टेज के माध्यम से हम बनाएंगे आंवले की एक और रेसिपी। अगर आप फ्रोलिक स्टेज की प्लेलिस्ट में जाके आंवले की रेसिपियों को देखेंगे तो तकरीबन 22 से 23 रेसिपियां ऑलरेडी इस पे अपलोड हैं, तो आप उन्हें जरूर से चेक कीजिएगा। आंवले का सीजन है और आंवले की जो है हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप आज जो रेसिपी बनाएंगे इसके लिए हमने लेना है आधा किलो आंवले। आंवले आप मीडियम साइज या बड़े साइज के ही खरीदिए। इन आंवले में जो बड़े साइज के आंवले रहते हैं इनमें जो प्राण शक्ति है वो ज्यादा रहती है। यहाँ मैंने कुकर में आधा किलो आंवले लिए हैं जिन्हें मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसमें डालेंगे हम बहुत ही थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ कप के आसपास मैंने पानी लिया है। कुकर की लिड लगाने के बाद हम 3 से 4 विसल लगा लेंगे। आंवले को खरीदते हुए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आंवला जो है मीडियम या फिर बड़े साइज का ही आप लें। छोटे साइज के आंवले में कसैलापन ज्यादा रहता है और जो भी आप रेसिपी बनाएंगे वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगी। तो कोशिश कीजिएगा कि जो फ्रूट है वो अच्छा फ्रूट होना चाहिए, उसमें ज्यादा कट के निशान नहीं होने चाहिए। अगर इनके थोड़ा बहुत डाल का निशान आता है यानी कि पेड़ का ही निशान आए तो आप उसे थोड़ा सा रिमूव करके भी आंवले को यूज कर सकते हैं। तो आंवले फ्रूट का चयन करते हुए आपने ये बातों का जरूर से ध्यान रखना है क्योंकि आंवले की जो भी रेसिपी आप बनाते हैं उसे आप 1 साल तक के लिए एंजॉय कर सकते हैं। तो लंबे समय तक के लिए एंजॉय करने के लिए आप इन सब बातों का जरूर से ध्यान रखिएगा। आंवले को हमारे 4 विसल लग गई है, अब हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो हमने लिड को हटाना है। आंवला जो है वो हमारा कुक हो गया है, हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसके बीज को अलग कर लेंगे। आंवले को मैशर से ब्रेक करते जाएंगे और बीज को अलग कर लेंगे। मैंने आंवले के सीड्स को अलग कर लिया है और आंवले का जो पानी है बहुत कम पानी रहता है, उसे हमने इसके अंदर ही मैश कर देना है। यहाँ मैंने लिया है एक फ्राई पैन, उसमें डाला है घी। मैंने पैन में देसी घी का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून घी लेने के बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ पिंच के आसपास है। और 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ। हमने घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना, उससे पहले ही ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान देना है हमने सौंफ को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे ही हल्का सिकना शुरू हो तभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। 1/4 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, मैं यहाँ सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। तो सेंधा नमक जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है और साथ में जाएगा ब्लैक सॉल्ट। इन सबको डालने के बाद हमने जो आंवले लिए थे वो 500 ग्राम लिए थे और तकरीबन 400 ग्राम हमने गुड़ को लेना है और गुड़ को हम पीट लेंगे और इसे भी डालेंगे। इसे आपने इस तरीके से टुकड़े करते हुए डालना है। गुड़ के या तो आप छोटे छोटे पीसेस कर लें या फिर इसको पीट लें। मैंने इसको थोड़ा कूटा हुआ है तो ये अपने आप से मेल्ट हो जाएगा। अब इसी में हम ऐड करेंगे आंवले। मैशर से मैंने जिसे मैश किया था, बहुत ज़्यादा हमने इसको क्रश नहीं करना है। अब हम इसे चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। हमने इसके अंदर जैगरी को मेल्ट करना है। जैसे ही जैगरी मेल्ट हो जाएगी तो हमने 2 मिनट के लिए इसे और कुक करना है। ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, आंवले जो है ऑलरेडी कुक है। जैगरी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करना है। ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। बहुत सारे व्यूअर्स जैगरी के साथ आंवले के कॉम्बिनेशन की रेसिपी की डिमांड कर रहे थे, तो ये जो है काफ़ी हेल्दी है। तो 2 मिनट से ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो गैस को मैं बंद कर दूंगी। जैसे ही ये ठंडा होगा तो थोड़ा और थिक होगा। ये जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी भी है। आप इसे आंवले का मीठा अचार भी कह सकते हैं, आप इसे आंवले की लौज भी कह सकते हैं।
पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ग्लास के कंटेनर में आप इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप इसे 2 से 3 चम्मच अगर खा लेते हैं तो ये आपकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसे हमने जैगरी के साथ बनाया है। आप इसे वैसे पूरी और पराठे के साथ भी ले सकते हैं, राइस के साथ भी ले सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। इस चटकारेदार रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जैगरी और आंवले के कॉम्बिनेशन में बनी हुई ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो और वीडियो को अगर आपने एंजॉय किया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।